Welcome dear friends, so far we have discussed in the class also that how to start, how to understand, how to initiate the central tendency, that is arithmetic mean, measure of central tendency. आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमने क्लास में बताया उसी चीज़ को यहाँ भी रिपीट करता हूँ, और जिन बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, हालांकि हमने होमवर्क दिया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी यू कैन रेफर दिस एंड बट यू हैव टू कंप्लीट द वर्क. अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ओनली दो लेट ब्लूमर्स स्टूडेंट्स. केवल और केवल मैं लेट ब्लूमर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, और आई होप दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू फ्रूटफुल टू ऑल. थैंक यू. नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट with this questions. So I have written this question to start the solution, but before that I would like to address the key issues the way I prefer to teach. तो आपके सामने मैं लेकर आता हूँ ये फार्मूला मैं लेके, और फार्मूले को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आज भी मैंने आपको क्लास में ही बताया है कि फार्मूले से ही अगर हम अप्रोच करें तो समझ में आएगा. फार्मूला एट अ ग्लांस, मैंने एक फार्मूला को बताया था याद रखने का, अगर आपको याद हो तो. वो फार्मूला था, यहीं लिख दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मालूम है इंडिगो एयरलाइंस होता है, इंडिगो एयरलाइंस, और वहीं से मैंने बनाया फार्मूला इंडिगो, और मैंने फार्मूला बनाया टेक डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इंडिगो. अब ये सीरीज है, ठीक है, इंडिगो इन मतलब क्या हुआ, ये है इंडिविजुअल को बताता है, इंडिविजुअल सीरीज, डी बताता है डिस्क्रीट सीरीज, और सी ओ बताता है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है. तो इस चीज़ को याद रखेंगे, और मेथड कितने हुए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड. मतलब हर सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज अगर है तो उसमें तीन मेथड हो गए, डायरेक्ट ये मैंने सब क्लास में बताया हुआ है, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है. इसी तरह जब डिस्क्रीट सीरीज होगी तो इसमें भी क्या होगा, मैं डी लिख रहा हूँ, एस सी फॉर शॉर्टकट और एस डी फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डिविजन. इसी तरह जब हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो इसमें भी कंटिन्यूअस सीरीज ये होगा, तो फिर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीन होंगे, ठीक है. तो ये तीन चीज़ को समझना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड होंगे, ठीक है. इस चीज़ को आपको याद रखेंगे तो बाकी आसान होगी. और फिर तीनों के फार्मूले को देखिए, डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, देख लीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, और यहाँ एक्स बार क्या है, यह है अरिथमेटिक मीन, सिग्मा एक्स क्या है, यह है समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएशंस, ओके, वेरिएबल्स, दैट इज एक्स, जो एक्स होगा, जो भी वैल्यू निकालना होगा जिसका, उसका समेशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स बार क्या है, अरिथमेटिक मीन, एक्स क्या है, सिग्मा एक्स क्या है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है.
और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तीन चीज़ें, ठीक है, ये अब याद रखेंगे आप। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, शॉर्टकट मेथड में क्या फार्मूला होगा। अब पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं, तो ये फार्मूला है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि फार्मूले में सिमिलरिटी क्या है। डिस्क्रीट सीरीज हम जानते हैं कि जब जो डिस्क्रीट सीरीज होगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जरूर होगी। कंटिन्यूस सीरीज इसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मिड वैल्यू वर्ड आता है। मिड वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 10 है, जिसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 0 + 10/2, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। ये हमने जो लिखा वो केवल इसके लिए लिखा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, कि यहाँ पर एक्स बार का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब सिग्मा एक्स का मतलब क्या होगा, ठीक है, सिग्मा एक्स का और एन का मतलब क्या होगा, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए लिखा। लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पर एन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ, इसको ध्यान रखेंगे। एन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा, और सिग्मा एफ एक्स क्या हुआ, तो ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए सिग्मा एफ एक्स जगह नहीं है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है, और फिर तब समेशन इसका निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट करेंगे और फिर नीचे जब हम कॉलम बनाएंगे ना तो नीचे जो है हम इसका समेशन ले लेंगे। और एन का मतलब बता दीजिए सिग्मा एफ, और इसमें और कोई चीज़ है नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड देख लिया, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड देख लिया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड हम देखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय एन, ये ध्यान रखेंगे, सिग्मा एफ एम बाय एन। यहाँ पर एम क्या है, मिड वैल्यू, एम क्या है, मिड वैल्यू है, ठीक है। एन जैसे यहाँ पर है, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एफ एम क्या है, फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, और सिग्मा लग गया तो समेशन, समेशन ऑफ फैक्टर ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, ये समझ लीजिए, तो इंडिविजुअल सीरीज, ओके। इसी तरह हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, तो स्पेस यहाँ कम है इसलिए हम इसको अलग से लिखेंगे, और इसको हम दिखाते हैं, बुक में दिखाते हैं, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके संदीप गर्ग का है ये, देखिए सिंपल मीन, जिसको इंडिविजुअल सीरीज है यहाँ, तो इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टडीज। अभी मैंने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज देखा, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड देखा, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड देखा, और कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड देखा, ओके। नीचे देखिए कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, और इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, और एक्स बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसको हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर रहे हैं इन दोनों को, इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सिमिलरिटी दिखा रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के फार्मूले में कितनी सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर है एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है इसलिए केवल सिग्मा एक्स है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए सिग्मा एफ एक्स हो गया, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब यहाँ देखिए सिग्मा एफ है, यहाँ एन है, यहाँ एन का मतलब ऑब्जर्वेशन है वेरिएबल्स का, यहाँ सिग्मा एफ का मतलब है इस जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का समेशन, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये ध्यान रखेंगे। अब यही चीज़ अब जब कंटिन्यूस में आते हैं, यहाँ भी आपने देखा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, और एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम हो जाएगा। एफ एम इसलिए हुआ क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें क्लास इंटरवल होता है 0 से 10, 10 से 20, इस तरह क्लास इंटरवल होते हैं, तो हमको क्लास इंटरवल का क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, ठीक है, तो m इज इक्वल टू मिड पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हमने बताया अभी वीडियो में, और सिग्मा f तो मालूम ही n होता है, सिग्मा f इज इक्वल टू n,
summation of all frequencies, or सिग्मा एफ एम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरीके से हमने अभी अभी आज जो देखेंगे आप इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड और कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड और कंटिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड, और तीनों फार्मूले में सिमिलरिटी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरा अप्रोच ये है। वैसे जो भी आपको पसंद है वो कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं बुक के माध्यम से समझा देते हैं आपको, ताकि मेरा समय बचेगा। चलिए, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया था, इसको बुक के माध्यम की जरूरत नहीं है। अब हमारा इंडिविजुअल सीरीज में अगर होगा तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है मैंने पहले लिख लिया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, 95। तो 95 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देर आर 10 ऑब्जर्वेशन ओनली, तो डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 9.5, और ये आपका क्वेश्चन हो गया एक्स बार दैट इज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 9.5। तो चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज था, कौन सा सीरीज था, इंडिविजुअल सीरीज था, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगर मान लीजिए इसमें हम इसी क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, अभी बुक का क्वेश्चन नहीं रह गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपने मन से, और सबकी फ्रीक्वेंसी मैं लिखता हूँ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये 1, 2, 1, 2 इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कन्फ्यूजन होगा दिक्कत हो जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार लिख लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल का क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत ही छोटा लिया है इसलिए कि कैलकुलेशन आसान हो, टाइम वेस्ट नहीं हो। देखिए, अब ये हमारा, अब ये डिस्क्रीट सीरीज हुआ, कौन सा सीरीज हुआ, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। जब डिस्क्रीट सीरीज हुआ तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पहले, क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, जहाँ पर एन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ, ध्यान रखेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब हमको एक कॉलम एफ एक्स का बनाना पड़ेगा, एफ एक्स का हमने कॉलम बना लिया, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ इंटू एक्स, 2 × 2, मैंने इसलिए जानबूझ के छोटा सा वैल्यू लिया, इसलिए कैलकुलेशन आसान हो, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 6 × 1 = 6, 4 × 3 = 12। अब इसको हमने किया तो ये क्या फार्मूला देखिए, सिग्मा एफ एक्स बाई एन तो लिखा हुआ, इसका जब हमने समेशन लिया, सिग्मा एफ एक्स निकाला तो इसकी वैल्यू कितना आई, 41 आ गई, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आती है, 10 आ जाती है। ओके, सिग्मा एफ 10। अब फार्मूले में क्या है, देखिए एन क्या है, सिग्मा एफ है। ठीक है, तो सिग्मा एफ मतलब एन हो गया, बिकॉज एन लिखे, एन इजकल टू सिग्मा एफ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना आई, ये देखो 41 आई, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 41, तो 41 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ इजकल टू एन होता है, तो 10, तो 10 ये इजकल टू 4.1। तो ये डिस्क्रीट सीरीज के अनुसार अर्थमेटिक मीन कितना हुआ, 4.1 हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, अब एक कंटिन्यूस सीरीज का लेता हूँ मैं। चलिए, तो ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 8.52 संदीप गर्भ से लिया गया है, हो सकता है नंबरिंग इधर उधर हो, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज का पहला क्वेश्चन ही है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया वैल्यू, मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है। ओके, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये। ठीक है, अब हमने यहाँ सिग्मा एफ निकाल लिया है, मतलब समेशन ऑफ एक्स एफ निकाल लिया है फ्रीक्वेंसी। और अब देखिए फॉर्मूला याद रखना कितना ज़रूरी है। अब ये कॉलम जो है क्यों बनाने ज़रूरी है, कैसे क्यों बनाया मैंने, कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड में, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई एन, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जहाँ फार्मूला एट ए ग्लांस दिया हुआ है बुक में, वहाँ देख लीजिएगा दोबारा अगर याद नहीं है, हर बच्चे को फार्मूला याद होना चाहिए। एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। अब हमको फार्मूले में एफ और एम दिया हुआ है, तो एम हमको मालूम नहीं है, तो एम हम निकाल लेते हैं। एम कैसे निकाला जाता है ये मैंने यहाँ बता दिया कि ये क्लास इंटरवल होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये 5 आया। इसी तरह इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है कि एक बार आपने निकाल लिया ये 0 + 10/2, तो ये 5 आ गया। अब देखिए सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो इसमें 10 ऐड करते जाएंगे तो अपने आप निकल जाएगा, 5 + 10 = 15, 15 + 10 = 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। इसके बाद एफ एम तरीका बेसिकली यही है, और ये अपना आसानी से समझने के लिए ताकि जल्दी हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन फार्मूले में, एफ एम है, तो हमने एफ एम किया फ्रीक्वेंसी टू मल्टीप्लाइड बाई मिड वैल्यू,
एम क्या है मिड वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी 5 × 4 = 20 हुआ, 6 × 15 = 90 हो गया, 10 × 25 = 250 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या था सिग्मा एफ एम, तो सिग्मा एफ एम इक्वल टू कितना होगा, इसको जोड़ेंगे हम तो ये हमने पहले करके लिख रखा हुआ है 15 1510 आता है। ठीक है, अगर मिस्टेक हुआ तो आप इसको देख लीजिएगा, दैट इज़ नॉट इशू, प्रोसेस जानना ज़्यादा जरूरी है। फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ दैट इज एन। ओके, सिग्मा एफ एम की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 1510 डिवाइड सिग्मा एफ की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 50, हमने 50 से डिवाइड किया, ये वैसे ही कर लिया, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है ये यही आना चाहिए। ओके, जो भी आए, फिलहाल मैंने इसका आंसर दिया हुआ है बुक में तो मैंने इसी को लिख दिया है, लेकिन प्रोसेस आप समझ लीजिए कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ हो गया। ओके, तो मैंने आज इंडिविजुअल सीरीज़ के, डिस्क्रीट सीरीज़ के और कंटिन्यूस सीरीज़ के तीनों के डायरेक्ट मेथड को सॉल्व किया। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, थैंक यू।